देश की तस्वीर बदलने वाली है। साथियों, जन आशीर्वाद यात्रा भी आई थी, आगे एसपी कलेक्टर थे, बीच में सीओ था, साइड में पटवारी थे, पीछे महिला बाल विकास, आगे पंचायती राज, मंत्री, संतरी, उषा, आशा कार्यकर्ता सब मिलकर भीड़ बना के चल रहे थे कि जनता को आशीर्वाद देने का लेने मुख्यमंत्री बहादुर आए। मेरे यहां तो ना मुख्यमंत्री जी आए, ना सिंधिया जी आए, यहाँ खुजनेर आए थे क्या मुख्यमंत्री जी? यहाँ भी नहीं आए, यहाँ यात्रा भी नहीं आई। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जब आशीर्वाद की जरूरत नहीं है तो फिर काहे का आशीर्वाद उन्हें देना? आशीर्वाद किस बात का दें? आज सरकारी कर्मचारी सारे हड़ताल पे हैं, पटवारी हड़ताल पे हैं, मंत्री दो दो बार हड़ताल कर चुके, पंचायत कर्मी, अतिथि शिक्षक बेहाल हैं, जो शिक्षा कर्मी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, उनको पेंशन की स्कीम नहीं मिली, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता भोपाल के कई चक्कर लगा के आ गई, महिला बाल विकास की हमारी बहनें जिनने शिवराज सिंह जी के लिए भीड़ जुटाई थी, उनकी सभाएं सफल कराई थी, ये तो उनके भी सगे नहीं हुए, उनको भी कुछ नहीं इनने दिया। मध्यान्ह भोजन के वो समूह, बच्चों का पेट काट कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैलियों में पूड़ियां खाई, चटकारे लगाए, लगाए कि नहीं लगाए? समूह के भोजन के किनका पेट काटा? गरीब बच्चों का पेट काटा। अब ये इनको क्या आशीर्वाद मिलना चाहिए? क्या आवास के पैसे डले किसी पंचायत में? हमारे पेंशन के पैसे डले क्या? सरपंच जो संभल के अंतर्गत, एक मिनट, संभल के अंतर्गत जो पैसा दिया जाता है 5,000 का अंत्येष्टि के लिए कोई किसी की मृत्यु हो जाए, वो सरपंच अपनी जेब से दे रहे हैं, सरकार से वो 5,000 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। और अब आशीर्वाद इस बात का चाहिए कि 18 साल बाद जब सरकार जाती दिखी तो मामा जी को किस बात की याद आई कि कौन बचाएगा उनको, कौन बचाएगा? लाडली बहना। पर लाडली बहना से भी मेरा है कहना कि मामा तो निकला है आपको भी ठगने। 10 महीने पहले योजना की घोषणा करी, फरवरी में चुनाव के थे, 10 महीने फरवरी में घोषणा हुई, बचे कितने महीने? 8 महीने। मार्च में फॉर्म भराए, बचे कितने महीने? कितने महीने बचे? 7 महीने। अप्रैल में जांच कराई, बचे कितने महीने चुनाव के? 6 महीने। मई में केवाईसी कराई, बचे कितने महीने? अब 5 महीने का पैसा डाल के मामा 5 साल की सरकार और सत्ता भोगना चाहता है तो क्या ये ठीक है? तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमेशा सबक सिखाने वाला क्षेत्र है। जिधर की सरकार बनती है उधर का विधायक बनता है, तो कांग्रेस का विधायक यहां से चुन के जाएगा कि नहीं जाएगा? और मेरा आपसे यही निवेदन है साथियों, आप परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई कि नहीं बनाई? एक बात बताओ, शिवराज सिंह ने कितनी गौशाला बनाई? कमलनाथ जी ने गौशाला कितनी बनाई? 1,000। मामा ने 300 रुपए की पेंशन बढ़ाई थी कभी? 15 महीने में, जो 15 साल में पेंशन नहीं बढ़ी थी, 15 महीने में 600 की किसने करी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि की 28,000 से बढ़ाकर 51,000 किसने करी? किसानों का कर्जा 15 साल में भाजपा ने कितना माफ किया? कांग्रेस ने कितना माफ किया? 27 लाख। 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया। साथियों, फ्री में बिजली किसने दी? किसने दी? दिग्विजय सिंह जी ने। और अब फ्री में बिजली की घोषणा किसने करी? कमलनाथ जी ने। साथियों, बिजली की डीपियां कितने दिन में बदला रही हैं? अभी
कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है, लाइनमैन की जेब गरम करनी पड़ती है कि नहीं, जेई की जेब गरम करनी पड़ती है कि नहीं, और 15 महीने में डीपी कैसे आती थी, कैसे आती थी डीपी, फोन पे आती थी, बिना पेमेंट के आती थी, अब आती है पेमेंट से। तो मेरे किसान भाइयों, प्याज की कीमत क्या है, गेहूं की कीमत क्या है, ये सब आप समझते हैं। मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोगों को निर्णय लेने वाले हैं, किसी भी बहकावे में मत आओ। किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, रोजगार की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, या किसी और चीज की बात हो, कोई कल्याण कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कल्याण कर सकती है साथियों। और आप सब मिलकर कांग्रेस का साथ दोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सब लोगों ने यहाँ बोला है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हम जोरदार, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे इस पूरी जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व कर रहे संघर्ष एक संघर्षशील साथी, जिनने विधानसभा में, विधानसभा के बाहर और हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की आज तक पोल खोली है, राऊ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी जी। भारत माता की। क्षेत्रीय विधायक आदरणीय बापू सिंह जी से भी अनुरोध है, वो भी अपनी बात करें। आपके और जनता, क्योंकि 4.5 घंटा लेट है, 4.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। और जीतू भैया और आपके बीच में संवाद होगा। जीतू भैया, जीतू भैया, राजा साहब, बुद्धू राजा, बाबा साहब, तुलसीपुर दरबार, जीतू भैया और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मंच पर विराजित समा, एक मिनट मत कर, थे नेठू रोटी तो खाई नहीं, दुबड़ो दट है। बात यह है कि जन आक्रोश यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकाली रहा है। मंच घचाघच भरी है, सबका नाम लेने को बहुत मन है मारो, माड़वी समझ में आ रही नहीं आ रही है, सबका नाम लेने का बहुत मन है मेरा, पर हमारे खिलचीपुर के महाराज ने जो नाम लिए वो सब बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, पर उनने जो नाम छोड़ दिए वो उनसे भी महत्वपूर्ण है। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए आप सबका 4 घंटे लेट स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ और आप सबका आभार भी करता हूँ। साथियों, राजगढ़ क्षेत्र पूरे देश और दुनिया में राजा दिग्विजय सिंह जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो विकास हुआ, यहाँ जो योजनाएं बनी, यहाँ जो डैम बने, यहाँ जो स्कूल कॉलेज, जगह जगह जितना विकास हुआ, उसकी नींव अगर किसी एक व्यक्ति ने, एक संस्था ने रखी तो राजा दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने रखी। आप यहाँ नगर पंचायत का मैं लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ अध्यक्ष कौन है, तो 4 बार से एक ही परिवार के अध्यक्ष हैं, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। और काम क्या है उनका, विकास दूर दूर तक नहीं दिखना, विधानसभा की टिकट चाहिए। और काम काम धंधा क्या है, तो जमीन पर कब्जा, जुआ, सट्टा, नोट उगाना। तो मैंने पूछा लोगों से कि इस तरह का व्यक्तित्व राजनीतिक क्षेत्र में अगर काम कर रहा है तो जनता क्या सोचती है। तो जनता जो सोचती है, हम मंदसौर से लेके यहाँ आज राजगढ़ तक लगभग 30 विधानसभा आक्रोश तो था, पर इतना भयंकर अद्भुत ऐतिहासिक आक्रोश था ये पता नहीं था। मैं मानता हूं जन आशीर्वाद चाहिए शिवराज जी को। किस बात का जन आशीर्वाद, इस बात का कि 1 करोड़ नए बच्चे मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं
और हर बच्चा घर घर नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, इस बात का उनको जन आशीर्वाद चाहिए। शिवराज जी को जन आशीर्वाद किस बात का चाहिए कि मंदसौर में 6-6 किसानों को गोलियों से भून दिया। जब प्याज की कीमत की बात हो, लहसुन की कीमत की बात हो, गेहूं की कीमत की बात हो, इनकम किसान की बढ़ाने की बात हो, तो शिवराज जी को सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। इसलिए उनको आशीर्वाद चाहिए, जन आशीर्वाद। अब आप देखो, 20 साल का मुख्यमंत्री, 18 साल का मुख्यमंत्री, 20 साल की सरकार, फिर भी जेपी नड्डा जी से पूछा कि आपका चुनाव का चेहरा कौन होगा, तो कहा नरेंद्र मोदी होंगे, शिवराज जी नहीं होंगे। फिर अमित शाह से पूछा जबलपुर में कि आपका चुनाव का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा समय पे बताएंगे। फिर 4-3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया चुनाव में, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे दिमनी से, पहला पटेल केंद्रीय मंत्री, चुनाव लड़ेंगे नरसिंहपुर से विधानसभा। इन लोगों को पहले राष्ट्रपति बना दिया और फिर राष्ट्रपति के घर के सामने का दरबान। अब बताओ, 3-3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, एक महासचिव लड़ रहे हैं, 9-7 सांसद लड़ रहे हैं, एक बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष सांसद होते हुए लड़ रहा है, और शिवराज जी को चेहरा नहीं बनाएंगे। तो भैया, जब बीजेपी शिवराज जी को बीजेपी आशीर्वाद नहीं देना चाहती, तो जनता को देना चाहिए क्या? अरे देना चाहिए क्या? मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बदलाव है, हवा का रुख बदलने वाला है, चेंज, परिवर्तन दिखने लगा है सड़क। आज जिस तरीके का प्रीवत जी की विधानसभा हो, उससे पहले सुस्तेर हो, फिर इससे पहले जो हम सारंगपुर हो, और अब यहाँ राजगढ़ में, मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सबसे पहले एकजुट है, और जनता मन बना चुकी है कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन कब लगता है बताएंगे नहीं आप लोग? नो, अरे शिवराज जी और नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की सरकार चलेगी तो तेजी से विकास होगा। डबल इंजन जब लगना पड़ता है, जब एक इंजन फेल हो जाता है, तो शिवराज जी का इंजन हो गया है। अब बुलेट ट्रेन विकास की चलाना है तो कौन सा इंजन चाहिए? कमलनाथ, कौन सा इंजन चाहिए? बस मैंने अनुरोध किया, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, इतने विनम्र हैं, हमारे जैसे कितने ही परिवार के लोगों को उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के का ज्ञान भी दिया, संस्कार भी दिए, सरोकार भी दिया, पब्लिक जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, गरीब, दुखी, वंचित, उसके लिए काम करने का एक संस्कार भी दिया, उसके उनकी नगरी है। आप सबसे अनुरोध है, राजगढ़ का विधायक बनता है तो ही सरकार बनती है कांग्रेस की। तो इस बार छात मेरे पात पे मोहर लगेगी, और हूं पिछला 12 दिन से। कल राहुल गांधी की सभा कितना लोग ने देखी, जरा हाथ ऊंचा करो, लाइव देखियो, भीड़ कम तो नहीं थी? ऐतिहासिक, खाली 3 दिन में जितना लोग ही गया, अगर 6-8-10 दिन मिल जाता तो 2-3 लाख कर देता हूँ। बस इतो ध्यान रखो, यो कोई व्यक्ति ने नहीं करया, कांग्रेस का प्रति लोग ना की का आकर्षण का बढ़ने को प्रमाण है। राहुल गांधी जी ने कई बात की कि दो विचारधारा है, एक विचारधारा है देश के बांटने वाली, और एक विचारधारा है प्रेम प्यार मोहब्बत पर देश के चलाने वाली। एक विचारधारा है जिसमें भगवान राम, कृष्ण, महावीर, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनने जो रास्तों दिखायो, जिसमें प्रेम है, प्यार है, त्याग है, बलिदान है, देश सबसे पहला, वंचित दलित जो सबसे दुखी और दरिद्र है उनका लिए सरकार हो, एक रास्ता, और एक रास्ता नफरत, घृणा, सत्ता, अहंकार, केंद्रीकृत, और जो सामने बोला है उनका दबाणु, एक रास्ता जो मीडिया का खरीद ले, तंत्र का खरीद ले, न्याय का खरीद ले,
जो व्यवस्था ना का खरीद ले, यहां तक कि विधायक ना का भी खरीद ले, अब लाडली बहना का नाम पर बहन का वोट भी खरीद। बताओ दो रास्ता में से कहां को रास्ता, महात्मा गांधी महावीर और भगवान कृष्ण को अच्छो कि यो कंस और कुसुकुनी और असो यो अच्छो, कहां को अच्छो? हाथ का पंजा वालों सब मिले हाथ उठा करो दृढ़ता से, हाथ का पंजा को विधायक बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? बहुत देरी की, एक बजे आएगा रात का, आज्ञा दोगा गए? अरे दोगा गए? भारत माता की।